अहमदाबाद में बाइबिल को जलाने की सूचना हम लोग को मिली उस इलाके में। ये एक गुजरात में ये रिहर्सल हुआ है। आप सभी को जय मसीह की। जीजस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इंडिया में छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड और भी अलग अलग राज्यों में मसीही लोगों पर सताव बढ़ता जा रहा है और कई बार मसीही लोग एक साथ होकर आवाज़ उठाते हैं और कई बार मसीही लोग थाने में कंप्लेन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया था। जो लोग मसीह लोगों को सताते हैं उनको, उनके खिलाफ रैली निकाली गई थी और संविधान में जो लिखा गया है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो एक बार फिर याद दिलाया। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, कुछ दल हैं जो मसीह लोगों पर हमेशा वो अटैक करते हैं, सताव करते हैं। इसमें से सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, सरकार के कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, और कोई से भी जो पार्टी हो वो मसीह लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आज से नहीं हो रहा है, कई सालों से मसीह लोगों पर अटैक हो रहा है। तो मैं आज आपको जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव का एक बयान बताने वाला हूं कि उन्होंने धर्मांतरण को लेकर क्या कहा था, धर्मांतरण के बारे में उन्होंने क्या कहा था, वो वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन इन दिनों में बिहार में भी सबसे ज़्यादा मसीह लोगों को सताया जा रहा है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो मसीह लोगों को सही से न्याय नहीं दे पा रही है और सही से उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ध्यान दिया है और उनका कहना क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए हम इस वीडियो को देख लेते हैं। अहमदाबाद में बाइबिल को जलाने की सूचना हम लोग को मिली उस इलाके में। ये एक गुजरात में ये रिहर्सल हुआ है, ये ड्रामा खेला जाएगा और आरएसएस के द्वारा हिंदुत्व के नींव को मजबूत करने के लिए चारों तरफ माइनॉरिटी और क्रिश्चियन पर हमले करने की पूरी इन लोगों की तैयारी है। वही नहीं, ये हर इंसान को छूट है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छा इंसान बनाने के क्षेत्र में और 100% लिटरेसी के मामले में सराहनीय काम किया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा माउंट कार्मेल, सेंट जोसेफ, कार्मेल, सारे स्कूल चल रहे हैं देश में, जिसमें सभी बड़े लोगों के बेटे और बेटियां पढ़ते हैं। तो कभी भी हमने नहीं सुना कि जबरदस्ती कोई आदमी धर्म का परिवर्तन करा रहा है। जो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हर एक नेता इस प्रकार से मसीह लोगों के साथ रहें और संविधान का पालन करें तो शायद किसी के ऊपर भी हमला नहीं होगा, चाहे वो कोई सी भी धर्म को क्यों ना मानता हो, क्योंकि भारत की जो अखंडता है वो भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र हैं और ये संविधान हमें आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो पार्टियां हैं, कुछ जो दल हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि संविधान को भी नहीं मानते हैं। तो शुरू से ही, ये अभी से नहीं, शुरू से ही जो इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई मिलकर रह रहे हैं, लेकिन इस अखंडता को लोग तोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार से बयान देते हैं, इस प्रकार का विरोध करते हैं, जिसके कारण से तो भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनका कर्तव्य ये है कि जो भारत का जो संविधान है उसका पालन करें। एक भारत का नागरिक होने के नाते जो संविधान है उसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे हैं कि जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, इस प्रकार के बयान देते हैं, इस प्रकार से मसीह लोगों को सताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम इस दुनिया में सताए जाएंगे लेकिन हमेशा के लिए हम त्यागे नहीं गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें सताए जाएंगे लेकिन हम त्यागे गए नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।